एक शेर पढ़ने की आप मुझे इजाजत दे दीजिए, सिर्फ एक। और उसके बाद असद आजमी, आए है क्या मखमली आवाज है, क्या जालिम तेरी आवाज में दम है। बंदा जब पढ़ता है तो फिर पढ़ता है, शेर सुनिएगा कि हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं। आए हाय, देखिएगा, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। थोड़ा सा दाद दीजिए, लह के बोलिए सुभान अल्लाह। एक हॉस्पिटल के अंदर बीमार पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या करूंगा। तो पति देव ने कहा कि पगली, मैं तो मर जाऊं, पागल हो। तो कहा सही सही बताओ, दूसरी शादी तो नहीं करोगे। तो कहा पागल कुछ भी कर सकता है, वो अदरी के लोग रहे होंगे, अदरी के लोग रहे होंगे। देखें, हाँ, अब थोड़ा सा आपके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है तो ये कलेजा हबीबी 36 से 46 इंच का हो जाता है। दीवानगी है माशाल्लाह। देखे कि हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाए। पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों, ये शेर नागपुर की सरजमी से, अजहर नागपुरी कहता है बड़े सलीके से कि शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। ये जो बेजान से पत्थर हैं, कभी किस्मत से आए है, इसकी दाद चाहता हूं। ये जो बेजान से पत्थर हैं, कभी किस्मत से, उनके हाथों में जो आ जाए तो गाने लग जाए। ये जो बेजान से पत्थर है, कभी किस्मत से, मुजम्मिल इधर दाद दो, बदला हैदराबाद में ले लूंगा मैं जाकर, मुजाहिद हबीबी मेरा नाम है। हाँ, शेर देखे। ये जो बेजान से पत्थर है, कभी किस्मत से, उनके हाथों में जो आ जाए तो गाने लग जाए। एक शेर और याद आता है, उसके बाद ऐसा आदमी को आपके हवाले कर देता हूं कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, बड़े बड़े की बात चाहता हूं। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। दरे रसूल पे हमने, मैं इसलिए शेर पढ़ रहा हूं, कसम खुदा की कह रहा हूं, हसनैन भाई को देखिए, उसका बदन मेरे बड़ी से टच किया, 100 प्लस उसके पास बुखार है, लेकिन कसम खुदा की ये इश्क रसूल है जो उसे बैठाए रखा है। अल्लाह सलामत रखे इस भाई को। और मैं ये शेर इनके नजर कर रहा हूं। हिंदुस्तान, अगर सुनिए मेरे दोस्तों, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे आजा भाई, जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। आजा भाई, जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस शेर के साथ जनाब असद आजमी साहब को आपके हवाले करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहरे तैबा की चमकती हुई रातें लिख दो। चांदनी बिखरे तो फिर नाद सुनाती बिखरे, चांद के चेहरे पे सरकार की नाते लिख दो। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वाला भी थोड़ा सा मोहल्ला बोले, आप सबको भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, ये थोड़ा सा जुड़े, आवाज दे दे, माइक को बढ़ा दे, मेरी कम है, मेरी आवाज कम है, क्योंकि ये के बाद दीगरे इतने हाई लेवल, क्लासिकल लेवल नहीं, हाई लेवल, इतना हाई वोल्टेज के पढ़कर गए हैं, और मैं क्लास वाला, समझ रहे ना। बहुत सारे लोग मेरा कंपेयर राहत फतेह अली खान से किया करते हैं, कहते हैं ऐसी आवाज है आपकी। बहरहाल, सारी मोहब्बतें एक तरफ, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब 4-5 दिनों से एक धुन के पीछे पड़े हुए हैं, और मैं चाह रहा हूं कि उस धुन को आप तक आज यहीं से शुरू करूं। अभी तक YouTube उठाकर देख लीजिएगा, कहीं आपने सुना नहीं होगा। सुन लीजिए अदरी वाले, और अदरी वालों से मेरी गुजारिश ये है कि असद आजमी एक नंबर का धुनिया है, धुन बनाने में बेरादरी के एतबार से।
जी, एक नंबर का दुनिया। हाँ आइए मैं मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, कितने लोग सुनने के मूड में है जरा सा हाथ उठाकर पहले मुझे बताएं। देखिए क्या दीवानगी है भाई, सर चढ़ने वालों की, मैं अपने चाहने वालों की बड़ी कद्र करता हूँ। हजार हजार मैसेज रोज मेरे मैसेंजर पे यानी पेज पे, एक 1.5 लाख 2 लाख के करीब मेरे पेज के फॉलोअर से आप मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, वक्त निकालता हूँ आपके लिए। आज का वक्त मेरे हिस्से में जो भी आया है मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मेरा मिजाज बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं किसी शायर पर तोहमत लगाऊं या किसी को कुछ कहूं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। देखिए मेरे जो चाहने वाले हैं वो मैं सुबह 7 बजे अगर पढ़ूंगा तब भी वो सुनने के लिए बैठे, यही कामयाबी की जमानत हुआ करती है। अता करे भाई, जिसको जो सुनने वाला है वो चला जाएगा। मैं यहीं से मतलब पढ़ता हूँ, पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। के मुस्तफा के दीवाने, हाय हाय वाह, जब कभी निकलते हैं मुस्तफा के दीवाने, जब कभी निकलते हैं मुस्तफा के दीवाने, जब कभी निकलते हैं। अगली लाइन में आप सब जुड़िएगा। देखिए मुझे ऐसे ऐसे शेर भी पढ़ने आते हैं कि आप सब खड़े होकर दांत देते हैं। जी जी, मुजाहिद भाई इंशाल्लाह 5 मिनट में वो काम अभी करेंगे, लेकिन नहीं करूंगा धीरे धीरे, पहले मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट थोड़ा सा वक्त लगेगा गर्म होने में। मतलब पेश करता हूँ, सुने के मुस्तफा के दीवाने, जब कभी निकलते हैं मुस्तफा के दीवाने, जब कभी निकलते हैं के मुस्तफा के दीवाने, जब कभी निकलते दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चल है, मारे तकबीर करा चल दिया मुशायरा जनाबे असद आजमी सरजमीन अदरी मोहम्मद के दिल पे तीर चलते हैं, तीर का जवाब है, अच्छा तीर लगा है। दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते हैं, एक दूसरे पे आलम है, ये मोहब्बत है। कौसर भाई, अल्लाह इनकी वालिदा मोहतरमा को जल्द से जल्द सेहत व आफियत से नवाज दे। आमीन। इंतखाब भाई का फोन मेरे पास गया कि असद भाई अदरी वाले कोपा वाले, कोपा पहले तो ये कह रहे हैं कि कोपा में यार आप क्या करके आए हो, अदरी वाले पागल हुए हैं आपके लिए। कसम खुदा की यही जुमला था इंतखाब भाई, मैंने कहा क्या कर दिया मैंने भाई, कह रहे यार अदरी वाले सारे कह रहे हैं कि कोई आए ना है, असद जरूर आना चाहिए इस मुशायरे में। मैंने कहा ये मोहब्बत है आप सब की, आप सब मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। के मुस्तफा के दीवाने, जब कभी निकलते हैं दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते हैं, दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते हैं, दिल पे तीर चलते हैं। क्या बात है, मुजम्मिल भाई चले गए क्या,
बैठे हैं ना, सुन रहे रहिएगा, ये काम आप मत, आपकी तो फ्लाइट नहीं छूट रही ना, ना। चलिए बहरहाल शुक्रिया, सुनिए पूरा मजमा है, धीरे धीरे जुड़ेगा, अच्छा है सर, पूरा मजमा भी धीरे धीरे जुड़ेगा, मैं आप सबको जोड़ना जानता हूँ। हाजिर करता हूँ एक और शेर, पढ़ता हूँ बतौर खास पहुँचाता हूँ समाज पर। मैं मुजाहिद भाई शेर देखिएगा, कौशल भाई, मैं देखूंगा नहीं सुनूंगा, फैयाज भाई बहुत खूबसूरत सा शेर आप तक पहुँचाता हूँ, सुने के मुस्तफा के शैदाई, मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, बेशक हक है, पूरा मजमा जरा सा बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। यार जब मैं नहीं थका तो आप कैसे थके हुए हैं, ये जो तालिब इल्म हजरात हैं, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे लेकर आप सब बैठे हैं, मुस्कुराते हुए बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये जो चौकीदार हजरात बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, अगर आप सबको भी अल्लाह ने जबान दी है, आप सबके अंदर भी धड़कता हुआ दिल है, तो आप इस बच्चे का थोड़ी देर के लिए साथ दे दें। ये आखिर के हिस्से का मुशायरा है जो मेरे हिस्से में आया है, आप सबको यही, आप सबका इम्तिहान है, पेश करता हूँ ये शेर, अगर सुनकर आप सब खामोश रहे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा, पेश करता हूँ समाज फरमाए के मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, एक चराग बुझता है सौ चराग जलते हैं, अरे ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे क्या शेर पढ़ दिया भाई, एक चराग बुझता है सौ चराग जलते हैं, अरे बाबा 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 बाबा, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तेवर है, सदरे मुशायरा ने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा, पेश करता हूँ आखिरी शेर, चराग बुझता उसके बाद मैं सीधे सीधे आप तक कौमी एकजहती के हवाले से शेर पढ़ूंगा, उसके बाद रफ्ता रफ्ता वहाँ तक पहुँचूंगा जो फरमाइशें आप सबकी हैं, हाजिर करता हूँ समाज फरमाए के मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, मुस्तफा के कम कभी नहीं होंगे, एक चराग बुझता है सौ चराग जलते हैं, एक चराग बुझता है सौ चराग जलते हैं, हाद सात राहों में हाथ मलते हैं अपने, क्या बात है, हाद सात रसते में हाथ मलते हैं अपने, हाद सात रसते में हाथ मलते हैं अपने, माँ की जब दुआ लेकर घर से हम निकलते, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, हाय 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 हाय, घर से हम निकलते हैं, देखिए मैं बहुत खूबसूरत नाते पाक पढ़ रहा था, और ये क्या है भाई, मलेशिया, चलिए पड़ोसी मुल्क की मत लाइएगा, पूरी दुनिया चल नहीं रहा है, सब दौड़ेगा भाई, असद भाई जी, वही चाहता, अब रुकिए, क्योंकि देखिए ये पढ़ना अगर तीन चार से पहले मैं लगता तो ये पढ़ता तो मजा आता, बहरहाल अब यहाँ से मैं सीधे सीधे आता हूँ अपनी ओरिजिनल जो पढ़ता हूँ उस पर आता हूँ। सागर अदरवी साहब, आपके हवाले से चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर इन नौजवानों का दिल नहीं धड़का तो तब आप देखिएगा,
कौशर भाई बात अगर सच्ची लगे तो एक नौजवान इंशाल्लाह मेरा साथ देगा कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। हाय 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 हाय। अब सुने दोस्तों, देखिए सलमान भाई मुशायरा का कैसे है, असद का लहजा ये कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। ये जो चौकीदार हजरत हैं आप सबको भी समझ में आएगा इंशाल्लाह, ये जो जैकेट पहनकर हाथ बांधकर चचा आप खड़े हैं, आपको डेडिकेट करता हूँ इस शेर में, आप ही के हवाले से पढ़ूंगा कि दिल दुखाते। अगर आप अपने 15 साल पीछे लौटिए, आप आज जिस उम्र में हैं 45-50 होंगे, मेरे बहुत बड़े हैं आप, 15-20 साल आप वापस जाइए अपनी उम्र में, उसके बाद अगर ये शेर आपको समझ में आए तो मुझसे जुड़ जाइएगा। पेश करता हूँ सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियाँ बेवफा तो होती है, लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं हो। अल्लाह इंशाल्लाह 6431020-2023 ये मेरा अकाउंट नंबर है। बहुत शुक्रिया। अरे माशाल्लाह मेरा भी खाता खुल गया यार। लड़कियां बेवफा तो होती है। आए हाय। दो बार एक बार फिर पढ़े। बहुत दिल जले लग रहे हो भाई। अरे वाह माशाल्लाह। ये देखिए। अरे वाह भाई वाह माशाल्लाह। दिल भाई मुजाहिद भाई देखिए, सिर्फ ये आ रहा था, इसके साथ पूरा खानदान आ रहा है। ये है, ये असल मोहब्बत है। मैं पेश करता हूँ पूरा मनमा, एक बार हाथ लगाकर बोले सुभान अल्लाह। अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो मेरा साथ देंगे, बोले सुभान अल्लाह। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। आइए चार मिसरे और आप तक ये दो दोबर्रर बर वजने मुकर्रर। देखिए मुजाहिद भाई, अगर इन सब के दिल की गहराई तक आप पहुंचेंगे तो मसला कुछ और है इन लोगों के साथ। इस वजह से ये कई बार पढ़वाना चाहे, आपसे बेहतर कोई जान भी नहीं सकता। बहरहाल आप सबकी मोहब्बत मेरी जान, आप सब जो कहेंगे इंशाल्लाह मैं वो सब पढ़ूंगा, क्योंकि आखिर हिस्सा इसके बाद कोई आने वाला नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं, अनलिमिटेड खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कोई एमबी कोई जीबी का कटने वाला मसला नहीं है इंशाल्लाह। पेश करता हूँ सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। आपको चार मिसरे में सुनाना चाह रहा हूँ सागर अदरीवी साहब को, हमारे बड़े करम फरमा हैं और बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। कौशर भाई आपके भी हवाले से पेश करता हूँ, आपकी वालिदा मोहतरमा बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आदिला अता करे। मेरी वालिदा मोहतरमा 4-5 महीने पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ खुदा की कसम, अगर प्यार आपको दुनिया में कहीं और नजर आए तो वहाँ चले जाइएगा, लेकिन जहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ अगर वहाँ नजर आए तो आप उसकी खिदमत करके उसको जन्नत बनाने की कोशिश करिएगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ, अदरी कोपागंज मऊ बहादुरगंज जहानागंज पूरा 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 आजमगढ़ पूरा मऊनाथ भंजन, यही ऐसे हैं कि अगर ये जहां जिस तरफ झुक जाते हैं उसी की सरकार बन जाया करती है। ये पूर्वांचल का बड़ा मजबूत इलाका है मुजाहिद भाई। लेकिन असद भाई एक बात मैं आपसे कहूंगा, लेकिन एक बात, हम जिस महफिल में बैठे हैं ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, अरे नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना,
अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना है। वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छा मुजाहिद भाई, चार मिसरे बोलता हूँ जी। अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार मिसरे पढ़ता हूँ कौसर भाई, सागर साहब आपको सुनाना चाह रहा था, चार मिसरे पेश करता हूँ, सुने। के मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। गर्लफ्रेंड को बाबू सोना मोना बोलने वालों सुनो, कि नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया, अब जुड़ना बजाई तो मुझसे पूछा गया, प्यार क्या चीज है, जुड़िए। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया, लफ्ज मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया। वाह वाह, ये है कौसर भाई। कौसर भाई को अल्लाह सलामत रखे, अब तक साथ दे रहे शायरों का। अरे अब तक इंतखाब भाई के भाई हैं, इंशाल्लाह फिर इंतखाब होगा, बड़ा दिल है इंशाल्लाह। और इंतखाब भाई का चार साल मुकम्मल हुआ है, इंशाल्लाह वो 15-20 साल चेयरमैन रहेंगे अदरी के, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। जब आए थे वो लड़ने वाले थे इलेक्शन, तो मैंने ही कहा था कि इंशाल्लाह आप सब इंतखाब का अच्छा इंतखाब करेंगे तो बेहतरीन इंतखाब आपका होगा, कि रोड लाइट हर चीज का अच्छा इंतखाब होगा। क्या बात, इंतखाब नाम ही ऐसा है कि इंतखाब करके लोग यहाँ के बैठा दिए हैं। पेश करता हूँ, भूलिएगा मत इस बंदे को, कौसर भाई को भी मत भूलिएगा, जो बात कहेंगे उसको मानिएगा, इंशाल्लाह आप सबका हर काम पूरा होगा। होता है ना काम, नहीं होता है तो बताना, खुदा की कसम पकड़ लूंगा यही इनको, पकड़ के बंद कर दूंगा। देखिए आपकी खिदमत करने के लिए आप लोगों ने चुनकर इन्हें बिठाया है, इंतखाब भाई को इंशाल्लाह आप सबका साथ देंगे। पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। चार मिसरे और पढ़ता हूँ सुने। के खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, क्या बात है सुने। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। वाह भैया साहब, मजमा जरा सा जुड़े यार, मेरा साथ दे। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, हाय हाय। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया, मगर तू दवाएं भूल गया। क्या बात है भाई, परस्तों की सारी वाह भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं गया। बहुत अच्छे भाई असद, क्या अच्छे अच्छे तजुर्बे आप पेश कर रहे हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान। दे दो भाई, दे दो पानी, दे दो यार नीचे, ये देखिए पर्ची आई है। हाँ, वो चेयरमैन साहब से कह रहे हैं पानी भिजवाइए। क्या बात, कौसर भाई, मैंने मैंने अभी कहा ना कि सारा काम आपका पूरा होगा, तो एक भाई ने पर्ची भेज दिया कि पानी मंगवाइए। ये अच्छा रहा आपका, इंशाल्लाह आएगा आएगा आएगा। हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ यार, मैं पहुंच रहा हूँ। ये देखिए ऐसी भड़कीली फरमाइश है कि पूरा अदरी उड़ जाएगा इंशाल्लाह। पढ़ डालो, पढ़ मैं पढ़ूंगा अभी, मैं थोड़ा सा सुनाना चाह रहा हूँ, वक्त अपना एक घंटे का कम से कम लेना है भाई जी। पेश करता हूँ, कितना बज रहा है,
3:30 बज रहा है ना, चलिए 4 बजे तक इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूंगा। आइए मैं 4 मिसरे और बिलखसूस आप तक पहुंचाता हूं। माशाल्लाह आप सब 4:30 बजे तक के सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है। क्या बात है, सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है। दिल याद इलाही से जो आबाद नहीं है। तादाद में हम कम है तो कमजोर ना समझो। तादाद में हम कम है तो कमजोर ना समझो। क्या बद्र की तारीख तुम्हें याद नहीं है। 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 आइए कुछ मेरे दोस्त भी बैठे हैं माशाल्लाह, खादिम भाई फर्नीचर वाले प्रधान जी भी हैं, कौसर भाई हमारे चेयरमैन साहब के भाई हैं, और इंतखाब भाई जिन्होंने मुझको यहाँ बुलाया वो भले आज मौजूद नहीं है लेकिन मुकम्मल मालिक वही है। चलिए बहरहाल हसनैन कैब भाई का ये खूबसूरत सा मुशायरा, फैयाज भाई, सरफराज भाई, जनाबे सागर अदरवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। मैं 4 मिसरे एक और खूबसूरत से पढ़ना चाह रहा हूँ, आप सबके हवाले करता हूँ। इजाजत हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। के दिलों में फिर वो अपने जज्बे ईमान पैदा कर। दिलों में फिर वो अपने जज्बे ईमान पैदा कर। तू मोमिन है तो मोमिन की अलग पहचान पैदा कर। एक मोहल्ला जोड़ रहा है मुझसे, आप लोग वीडियो बनाने के चक्कर में ज्यादा पड़े हैं, आप लोग को क्या हो गया है? मैं जानता हूं, मैं जब पढ़ता हूं ना, सुनो सुनो सुनो, पूरा मारूफ, पूरा 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 मारूफ है, मजहूल कोई नहीं है, कोई नहीं है, पूरा मारूफ है, जहानागंज है, कोपागंज है। अरे मेरी जान, मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ और पूरा मारूफ का नाम अगर जहन से निकल गया है तो यहाँ पर खड़े होने के बाद ना अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। तो आप लोग, एक भाई सिर्फ मेरा कह रहा है पूरा मारूफ का आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैं लूंगा पूरा मारूफ, पूरा मारूफ हो गया, काट के रखिएगा। पेश करता हूँ, सुने के सब कुछ तो दिलों में फिर वो अपने जज्बे ईमान पैदा कर। आप जुड़ रहे हैं ना, ये पूरा मारूफ भी जुड़ेगा, अदरी भी जुड़ेगा, गोपागंज भी जुड़ेगा, मऊ भी जुड़ेगा, देखिएगा, देखिए देखिए कैसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह। के दिलों में फिर वो अपने जज्बे, ये जो चेयरमैन हजरात भी बैठे हैं कुर्सियां पाने के बाद अच्छे अच्छे लोग खामोशी हो जाते हैं हमेशा के लिए, लेकिन आप सब ऐसा मत करिएगा, खामोश मत होइएगा, कुर्सियां पाने हैं तो कुर्सियां पाए हैं तो। अरे असद भाई वो कुर्सी वाले नहीं है, ये आयतल कुर्सी वाले जी। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। के दिलों में फिर वो अपने जज्बे ईमान पैदा कर। तू मोमिन है तो मोमिन की अलग पहचान पैदा कर। इलाही, सुनिए शेर, इलाही दुश्मन इस्लाम का सर उठ रहा है फिर। इलाही दुश्मन इस्लाम का सर उठ रहा है फिर। तू अब फिर हंजला खालिद जफर सलमान पैदा कर। तू अब फिर आमीन
अल्लाह कबूल फरमाए। जफर सलमान पैदा कर, भाईयों के शेर हो, ये खादिम फर्नीचर। चलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सचिव हैं हमारे भाई, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। पेश करता हूँ यहाँ से चार मिसरे। जी पढ़ रहा हूँ मेरी जान, रुको तो यार, रुको तो यार, थोड़ा सा रुको तो, कुछ अच्छे अच्छे शेर सुना लूँ पहले। इंग्लिश वाले भी पढ़ूंगा, इश्क के रंग में भी पढ़ूंगा, आसिफा भी पढ़ूंगा, मेरे बात कोई नहीं है, मैं सब पढ़ूंगा, घबराइए मत, थोड़ा सा सब्र करें। पेश करता हूँ, फलस्तीन भी पढ़िएगा, कश्मीर भी पढ़िएगा, खूबसूरत सी नाते पाक। अच्छा कश्मीर, ये कौमी एकजहती है ना, कश्मीर मैं पढ़ ही दे रहा हूँ यार। बंगाली भी पढ़िए, नेपाली भी पढ़िएगा। ये क्या है भाई? हाँ अभी पढ़ रहा हूँ भाई, अभी पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ पूरा पढ़ूंगा इंशाल्लाह, हाँ पांच बजे तक पढ़ूंगा। अल्लाह हम लोग, जी 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 जी, आइए मैं यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ, बिलखुसूस पेश करता हूँ, सुने। के हम आका के मानने वाले हैं, तुरंत आपकी फरमाइश पूरी हो रही है, सुनिए। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर परस्ती क्या जाने। गौसर भाई आपके हवाले से, सदरे मुशायरा के हवाले से, आपके हवाले से, आपके हवाले से, सबके हवाले से, जो जर्रा जहां है वही आफताब है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक सब में बैठे हुए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कि हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर परस्ती जाने, हम फिर का परस्ती क्या जाने। हम लोग मोहम्मद वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, मोहम्मद वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम लोग मोहम्मद वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। सुनिए एक शेर है कौसर भाई, सागर अदरवी साहब, एक शेर पढ़ता हूँ खुदा की कसम, अल्लाह सलामत रखे, मेराज के उस वाक़े को अपने जहन में रखे और एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। के जो चांद पे जाकर लौटाया, क्या इतनी सी अदा पर इतराया। जुड़े 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 जुड़े, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। के जो चांद पे जाकर लौटाया, इतनी सी अदा पर इतराया, इतनी सी अदा पर इतराया, वो अर्श मौला कुर्ब खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने, वो अर्श मौला कुर्ब खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने। कसम खुदा की फरमाइश इतनी ज्यादा है कि पांच बजा ही देगी, नहीं सुबह 10 बजे तक नाश्ता खाना खा के जाइएगा इंशाल्लाह। हाँ जी जाएंगे ना, सुबह 10 बजे तक पढ़ूंगा तो सुनेंगे, जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुनेंगे। ये देखिए फजर की नमाज होगी, फिर आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आज आप तरन्नुम से पढ़ेंगे, भरोसा बहरा नमाज जनाजा भी पढ़ लें आप, कोई भरोसा नहीं। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर का परस्ती क्या जाने। सुनो सुनो सुनो, के हम दीने नबी के मत वाले, हम लोग वतन के रखवाले। जुड़िए कौसर भाई, के हम दीने नबी के मत वाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम लोग वतन के रखवाले, नादान है सब दुनिया वाले, ओ
उलमा की बुजुर्गी क्या जाने, नादान है सब दुनिया। उलमा की क्या जाने, उलमा की बुजुर्गी क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। बहुत शुक्रिया प्रधान जी। एक शेर आपके हवाले से, खादिम फर्नीचर, जेब में हाथ ना डाले, मैं पैसे मांगने का वो बिल्कुल भी मेरा वो तरीका नहीं है। आपके हवाले से मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप शोरा नवाज हैं, माशाल्लाह, आप अच्छे अच्छे शेर सुनते हैं। मेरा मकसद बिल्कुल भी पैसे मांगने का नहीं है, इंशाल्लाह जो मिला है देकर जाएंगे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कलेजा देख लेंगे हम। मेरे जहन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, पेश करता हूँ एक शेर कौसर भाई, पढ़ता हूँ। उमर उस्मानो अली, ये चारों सबसे अफजल हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ पहले कि अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं बना है, अभी नहीं बना है, अभी बनेगा, अभी बनेगा इंशाल्लाह। के बकरो उमर उस्मानो अली, ये चारों सबसे अफजल है, ये चारों सबसे अफजल है, जो इनको बुरा कहते हैं सुनो, वो इनकी हस्ती क्या जाने, जो इनको बुरा कहते हैं सुनो, ये देखिए भाई, वो इनकी हस्ती। वाह वाह, गुलाम ख्वाजा वास्ती के परस्ती क्या जाने। अच्छा खुद कर दे, ए ए ए असद असद सदर साहब कुछ कहना चाहते हैं। मेरी उम्र इतनी हो गई, बहुत मैंने मुशायरे पढ़े हैं, बहुत से कलाम लिखे हैं, छह मेरी किताबें शाये हो चुकी हैं, छह किताबें। अल्लाह, दो किताबों पर उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी से मुझको अवार्ड मिल चुका है, लेकिन मैंने ऐसा तारीखी इतना अजीम शान यादगार मुशायरा नहीं देखा। क्या बात है भाई, वाह, जियो भाई, वाह वाह, जियो कमेटी के लोगों, वाह वाह वाह। गोया के पता ये चला कि अदरी की तारीख जब भी रकम की जाएगी, इस मुशायरे को फरामोश नहीं किया जा सकता इंशाल्लाह। क्या बात है, थोड़ी देर की बात है, वो खड़े हो गए। अच्छा भाई, हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे सागर अदरवी, जनाब इंतखाब साहब चेयरमैन ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। वाह, मैं जनाबे कन्वीनर साहब का, खादिम साहब का और जितने लोग मेंबरान हैं, रुकन हैं इस मुशायरे के, अहले अदरी की तरफ से, अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिली मुबारकबाद। सबका खालिक है अल्लाह, सबका खालिक है अल्लाह, किम राज़िक है अल्लाह, रहमत वाला है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बे रब्बी जल्लल्लाह, मा फी कल्बी गैरुल्लाह, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, के पेट में मछली के किसने। मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, आखिर में चलते चलाते इसको दागदार ना करे भाई। जिस मुशायरे में पढ़ता हूँ उस मुशायरे में यही होता है कि लोग खड़े हो जाते हैं। ये मोहब्बत है आपकी, लेकिन आप अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। ये नातिया मुशायरे की महफिल है, कौमी यकजहती की महफिल है, आप सब बैठ जाएं, बैठ जाएं अपनी जगह लेकर। यहाँ से एक खूबसूरत सा मतला पेश करता हूँ, सुने। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ,
सबका खालिक है अल्लाह, हाकिम राज़िक है अल्लाह, रहमत वाला है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के पेट में मछली के किसने यूनुस को जिंदा रखा, के पेट में मछली के किसने यूनुस को जिंदा रखा, पेट में मछली के किसने यूनुस को जिंदा रखा, कौन है वो जिसने के किया यूसुफ को जिंदा से रिहा। एक एक वाकया अहले इल्म आप सब है, उलमा इकराम है, तलवा एजाम है, एक एक वाकया इंशाल्लाह एक एक लाइन में आपको मिलेगा, तो आप सब जुड़िएगा। पेश करता हूँ सुने, के पेट में मछली के किसने यूनुस को जिंदा रखा, कौन है वो जिसने के किया यूसुफ को जिंदा से रिहा, नील के अंदर रास्ता बना, नील के अंदर रास्ता बना, लश्कर मूसा पार किया और फिर उसमें डूबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबका खालिक है अल्लाह, हाकिम राज़िक है अल्लाह, रहमत वाला है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के गलियों में चौबारों में हाय हाय हाय, अल्लाह की कुदरत अगर आप गलियों में चौबारों में, मेरी बात पॉइंट वाली बात, अल्लाह की कुदरत अगर आपको देखना हो तो सिर्फ हर इंसान के चेहरे को देखिए, एक लाख की भीड़ होगी लेकिन किसी का चेहरा एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं होगा, ये अल्लाह की कुदरत है, खुदा की कसम, वही नाक वही होंठ वही गाल वही बाल सब कुछ वही, उसके बावजूद सारे के चेहरे अलग हैं। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं पैदा हो सकती जो इंसान के चेहरे की तख्लीक कर सके। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह को, हम क्या कोई बयान नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी अल्लाह की कुदरत को बयान नहीं कर सकते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी हम बयान नहीं कर सकते। एक बंद पढ़ता हूँ, अदरी वालों, कोपागंज वालों, पूरा मारूफ वालों, बहादुरगंज वालों, सारे लोगों की शिरकत चाहता हूँ। पेश करता हूँ सुने, के गलियों में चौबारों में सहराओं में गुलजारों में तू ही नजर आता है रब, सूरज चांद सितारों में, गलियों में चौबारों में सहराओं में गुलजारों में तू ही नजर आता है रब, सूरज चांद सितारों में, तेरी मर्जी हो तो खुदा, तेरी मर्जी हो तो खुदा, कुदरत से तेरी मौला, जहर भी बन जाता है दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबका खालिक है अल्लाह, राज़िक है अल्लाह, रहमत वाला है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक घंटा ना, एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा पढ़ूंगा। क्या भाई असद भाई, जबान समझ गए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ तो उसको समझूंगा नहीं? वाह भाई वाह, मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ उसका, वो मेरा नहीं, मैं उसका दीवाना हूँ भाई। क्या बात, कोपागंज में भी मेरा भाई था, मैंने वहाँ दुआ दी थी कि अल्लाह इसको जबान दे दे, अल्लाह इसको समझने की तौफीक दे दे, अल्लाह जैसे सब भाई समझते हैं वैसे इसको भी समझने वाला बना दे। जी पेश करता हूँ, एक और शेर सुने यार, एक और शेर सुने, एक वाक्य तक पहुँचे, कि मूसा ने रब से जिद की, अच्छा मुझको अपना चेहरा दिखा, जुड़िएगा जुड़िएगा, कि मूसा ने रब से जिद की, मुझको अपना चेहरा दिखा, देख न पाएगा मुझको
गैब से फिर आई ये सदा, मूसा ने रब से जिद की, मुझको अपना चेहरा दिखा, देख न पाएगा मुझको, गैब से फिर आई ये सदा। शारिक जब हक जलवा बार हुआ, जब हक जलवा बार हुआ, जब हक जलवा बार हुआ, होश खिरद मूसा का गया, जब हक जलवा बार हुआ, होश खिरद मूसा का गया, बोल तड़प के कली मुल्ला, इलाहा इल्लल्ला, सबका खालिक है अल्लाह, किम राजिक है अल्लाह, रहमत वाला है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्ला। एक आखिरी बंद पढ़ता हूँ बतौर खास, मुजाहिद भाई देखिए, दिखाइए बिला झिझक, आपको इजाजत है आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाए, आपको छोड़ के कैसे जाएंगे, हम अनाउंसर सबकी माँ है, क्योंकि देखिए मेरे मेरी ममता बहुत है, मेरे बाद कोई आने वाला शायर पढ़ने वाला अब नहीं है, इस वजह से, क्योंकि देखिए मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जब तक अपनी फरमाइशों को पूरा नहीं करवा लेंगे तब तक ये कतई नहीं छोड़ेंगे, मुझे क्या बात है, जी जी हाँ, ऐसी बात ना, मुझे मालूम है मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ, इस वजह से इजाजत है मेरे भाई, कल तो आपने पूरा मेरी अपनी निजामत में तो मुझे रखे ही नहीं, शुक्रिया, ये थे इनको वक्त, मैंने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, कह रहे असद तुम मुशायरा समझ, यहाँ आना था नहीं तो नहीं आ पाते जी, मैं भी कल से आज यहाँ आया हूँ, आपके साथ ही आया हूँ, कि जब नारे नमरूदी में, जब नारे जुड़िए 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 जरा बोले सुभान अल्लाह, के जब नारे नमरूदी में इब्राहिम को डाला गया, के जब नारे नमरूदी में इब्राहिम को डाला गया, जब नारे नमरूदी में इब्राहिम को डाला गया, सारे आलम ने असद ईमानी मंजर देखा, जब नारे नमरूदी में इब्राहिम को डाला गया, सारे आलम ने असद ईमानी मंजर देखा, आतिश भी गुलजार हुई, आतिश भी गुलजार हुई, आतिश भी गुलजार हुई, और नमरूद की हार हुई, आतिश भी गुलजार हुई, और नमरूद की हार हुई, तड़प के खलीलुल्ला, ला इलाहा इल्लल्ला, सबका खालिक है अल्लाह, किम राजिक है अल्लाह, रहमत वाला है अल्लाह, ला इलाहा। आइए दोस्तों एक छोटी सी नाते पाक पढ़ता हूँ, उसके बाद इश्क के रंग में पढ़कर फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि इश्क के रंग यार वो कांड बड़ा पुराना हो गया भाई। दोस्तों ये इस बात का ख्याल रखें कि नातिया मुशायरा है, कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो पर्चा लेके आए हैं, वो जो गजल के मुशायरे में फरमाइश होती है, तो मैं असद भाई से गुजारिश करूंगा कि सुनिए सबका, कीजिए अपने मन का, बस आवाज थोड़ा सा बस, अच्छा है माइक बहुत अच्छा है, अरे यार एक नया बिल्कुल तरन्नुम सुनो, अबे मेरी जान सुनो यार, सुन लो मेरे भाई सुन लो यार, हाँ भोजपुरी सुना, के तुम भूल जाओगे, के तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, सुनिए, के तुम भूल जाओगे फिर वापस आना,
मदीने की नगरी में जा कर तो देखो कि तुम भूल जाओ। अगली लाइन में मुजाहिद भाई अगली वाली लाइन में मैंने कितनी मोहब्बत से उसको पिरोया है शेर में। सागर अदरवी साहब, अगर आपका जहन पहुंच जाए खुदा की कसम तो इस छोटे से बच्चे को अपनी दुआ में शरीक कीजिएगा कि तुम भूल जाओ ये फिर वापस आना, कि तुम भूल जाओ ये फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जाकर तो देखो, भुला दोगे फौरन बरेली का सुरमा, भुला दोगे फौरन बरेली का सुरमा, जरा खाके तैबा लगा कर तो दे। वाह भाई क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। फसाना मदीना क्या बात है। कि तुम भूल जाओ कि फिर वापस आना। देखिए मैं चला जाऊंगा भाई, मैं चला जाऊंगा। मैंने कह दिया है ना कि मैं सारी फरमाइशों को पूरा करूंगा। तो यार मैं कुछ अच्छे कलाम अगर पढ़ रहा हूँ तो देखिए भाई, कौशल भाई भी बैठे हुए हैं, इधर हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, थोड़ा इनका ख्याल कीजिए, बार बार रिक्वेस्ट करें आपको बैठ के सुनने के लिए। ये बड़ी मजबूत मजबूत शख्सियतें यहाँ पर बैठी है। मैं यार वो भी पढ़ता हूँ, मैं वो भी पढ़ सकता हूँ कि है यकीन साहिबे, मैं वो भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ अच्छे शेर सुनाना चाह रहा हूँ। कि तुम भूल जाओ कि फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जाकर तो देखो, भुला दोगे फौरन बरेली का सुरमा, जरा खा के तैबा लगा कर तो दे खो, के वहां होगा जब आए हाय सुनिए, के वहां होगा जब नफसी नफसी का आलम, वहां होगा जब नफसी नफसी का आलम, पड़े होंगे सजदे में शाहे पड़े होंगे सजदे में शाहे दो आलम, दिया बख्श हमने अल्लाह कहेगा कसम खुदा की क्या मंजर होगा, दिया बख्श हमने हर एक उम्मती को, दिया बख्श हमने हर एक उम्मती को, कहेगा खुदा सर उठा कर तो देखो, कि तुम भूल जाओ कि फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जा कर तो देखो। दोस्तों बंद आखिरी बतौर मक्ता पढ़ता हूं। हाँ जी हमारे खादिम फर्नीचर और दिगर लोगों की ख्वाहिश है असद भाई कि आप जब मुशायरा खत्म करें, खत्म नहीं, ये मुशायरा खत्म नहीं होगा बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी होगा।
ठीक है, तो हम्द पे किया जाए। हाँ हम्द पे किया जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा, पेश करता हूँ बतौर खास के ये है खादिम। तुम तो यार बहुत ही बड़े दीवाने हो यार। ए, इसको नीचे डाल के बंद करो यार इसको। पढ़ रहा हूँ यार, रुको तो मेरे भाई, मेरे भाई रुको तो। ये है महफिले मिदे हते, वो इंग्लिश वाली कह रहा, मैं पढ़ रहा हूँ ना यार। आप सब बगैर मुझे सुने जाएंगे नहीं, मुझे पता है, तो थोड़ी देर सब्र कर लो, जितना सब्र करेंगे उतना मजा आएगा। पेश करता हूँ सुने के ये है महफिले मिदे हते शाहे बतहा, यहाँ हर कोई है मोहम्मद का शैदा। ये है महफिले मिदे हते शाहे बतहा, यहाँ हर कोई है मोहम्मद का शैदा। सदा वाह की असगद, सदा आएंगी वाह वाह की असगद, सरे बज्म नाते सुना कर कर तो देखो। Who is the love one Allah? Who is the love one Allah? Who is the love one Allah? Who is the Rahman Allah? Who is the love one Allah? Who is the Rahman Allah? Who is the Manan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is here for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Suno yaar sarfaraz, ye jo sher ab padhne ja raha hu na, wah समझने असद भाई, असद भाई मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। असद भाई आपको मालूम होना चाहिए कि हसनैन कैफ साहब के अब साले हैं या बहनों ही हैं, खादिम साहब हम नहीं जानते भैया, लेकिन रिलेशन बहुत अच्छा है दोनों का, खतरनाक है। हाँ जी खादिम भाई बहुत शुक्रिया जी, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं इनसे कह रहा हूँ कि ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे वरना दाद देना भूल जाएंगे। पेश करता हूँ सुने, ऑफिस दिस ड्यू, बस दाद देते रहिए, समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। ऑफिस दिस ड्यू टू दवन इज ओनली ही इज द मास्टर ऑफर इज sir is the sustainer in the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is here for la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aap jab nubuwwat ka आप जब नबुव्वत का मौजजा दिखाते हैं, आप जब नबुव्वत का मौजजा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है पेड़ चल के आते हैं, चांद टुकड़े होता है पेड़ चल के आते हैं, आप जब नबुव्वत का मौजजा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है पेड़ चल के आते हैं, चांद टुकड़े होता है पेड़ चल के आते हैं। हु इज द करीम अल्लाह, हु इज द रहीम अल्लाह, हु इज द शकूर अल्लाह, हु इज द सत्तार अल्लाह, हु इज द गफ्फार अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, हु इज द कहार अल्लाह, हु इज द गफ्फार। محمد رسول اللہ محمد از دا میسنجر اللہ از ہری فر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بندہ اور پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتے رہیں یہ شکریہ پیش کرتا ہوں سنیں کہ تیز دھوپ میں چلتے
वाकया देखिए, तेज धूप में चलते देख करके बादल भी, तेज धूप में चलते देख करके बादल भी, साथ साथ आका के साया करते जाते हैं, साथ साथ आका के साया करते जाते हैं, तेज धूप में चलते देख करके बादल भी, साथ साथ आका के साया करते जाते हैं, साथ साथ आका के साया करते जाते हैं, हु इज द कवी अल्लाह, Who is the Aziz Allah? Who is the Shakur Allah? Who is the Ghafur Allah? Who is the Rahman Allah? Who is the Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is a refer. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur रसूलुल्लाह के है यकीन साहिबे, क्या बात है, ईमान नहीं बिक सकता, क्या बात है, वाह, ये इनाम दे रहे हैं, हमने सोचा खरीद रहे हैं मुझे। अब ये शेर सुनो, ये शेर सुनो, ये जो मेरे बोलने का इसमें भी एक हिकमत है, सुनो मेरी जान, ए मेरा भाई, मेरा भाई, ये जो मौलाना आए थे अभी मुझे इनाम दे रहे थे, तो मैंने इनसे जुमला बोला, खरीद नहीं रहे मुझे ना, अब ये जो बोलने का मकसद था ये शेर में आने वाला है, अगर आप सबको समझ में आए तो जुड़े, के है यकीन साहिबे ईमान नहीं बिक सकता, कसम खुदा की आप सब बहुत खामोश रहे, लेकिन मैं सामने वालों को टारगेट नहीं किया अब तक, लेकिन अब करता हूं यार, अब तो थोड़ी देर की बात है, जरा सा बोल दे सुभान अल्लाह, के है यकीन साहिबे ईमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का कुरान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का कुरान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का। और मेरे मोहतरमुल मकाम, मेरे बड़े करम फरमा उस्ताद मोहतरम सदर आली वकार, आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, कसम खुदा की डाइज इस वक्त इतना इतना बेदार हो चुका है, कितनी देर से अब तक बेदार नहीं हुआ था मैं समझ रहा हूँ, आप सबने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने, लेकिन मुझे कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो बेदार ना हो, एक शेर पढ़ता हूँ सुने, के है यकी साहिबे, जुड़िए भाई, जुड़िए जुड़िए जुड़िए, प्रधान जी जुड़िए, प्रधान जी, बड़ा मसला होता है इलेक्शन पीरियड में, बड़े पैसे बांटे जाते हैं, समझ रहे हैं ना, एक शेर पढ़ता हूँ और आपका जहन पहुंचे तो जुड़ जाइएगा, लेकिन ये वाला दिल नहीं बिकता, मीम नहीं बिकता, हाँ बिकता है, अब सुनिएगा, पेश करता हूँ सुने, के चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, क्या बात है, के चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिक सके, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी यकजहती, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, असद आजमी साहब, खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं ये सब भी पढ़ना जानता था यार, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छे अच्छे शेर आप सबको सुना दूं, फिर पढ़ू इन चार मिसरों को, जी
ये सिराजुना मुनीरुना। चलिए अभी वक्त मिला तो जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पेश करता हूँ चार मिसरे और आप तक पहुँचा रहा हूँ। बिलखुसूस पेश करता हूँ, समाज फरमाए के खौफ शैतान से, खौफ शैतान से डर जाए ये मंजूर नहीं, खौफ शैतान से डर जाए ये मंजूर नहीं, राह कुरान से। ठंडा लग रहा है क्या भाई आपका? थोड़ा सा बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा सा बोलो एक बार सुभान अल्लाह। राह कुरान से मुकर जाए ये मंजूर नहीं, शौक से जामे शहादत तो है मंजूर मगर अपने ईमान से फिर जाए ये मंजूर नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब इंशाल्लाह ये मुशायरा अगले साल के लिए मुलतवी किया जाता है। मैं अपनी तरफ से और तमाम बादशाह हाजरी की तरफ से चार मिसरा मामली की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। दोस्ती वफा खुशी चाहत कर लो दिल से कबूल लाया हूँ, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं मैं दुआओं के फूल लाया हूँ। इस नातिया मुशायरा में बाहर से आए हुए मेहमान कमेटी की तरफ से किया जाता है, अख्ताम का ऐलान नहीं हो रहा है, मुंतबी किया जा रहा है। बाहर से आए हुए मेहमान कमेटी वालों की जानिब से और तमाम स्टेज वालों की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली साल यही पे नातिया मुशायरा पूरे जोरों शोर के साथ मनाया जाएगा। आप हजरात आराम से धीरे धीरे अगर सुनना है तो बैठना पड़ेगा। चाचो जान के मैं वो आपकी बेटी समान, ये क्या करते हो चाचो जान के मैं हूँ आपकी बेटी समान, आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी, न कीजे मंदिर का अपमान, न कीजे मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। अब इसका सिर्फ एक बंद पढ़ता हूँ जो पूरा निचोड़ है, लोब लोआब जो है वो बंद जो है किसी को समझ में आए ना आए लेकिन उन दो बंदों को जरूर समझ में आएगा जिनके पास औलाद नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा जी, नहीं मैं तो खुद चाह रहा हूँ बंद हो जाए, मैं तो खुद चाह रहा हूँ बंद हो जाए, बंद कर दें। एक शेर पढ़िए, बंद करिए, एक शेर पढ़िए, एक शेर, एक शेर पढ़िए, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए वो लामों पे वो सरार के रहते गए वो तौसीफो सनाए शगे अबरार में घर लहजा गो घर बार, वरना वो सैयद आली नसबी हाँ वही उम्मी लकबी हाशमी ओ मुत्तलबी वो अरबी वो करशी वो मदनी और कहाँ हम सगुनहगार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार।
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा। बोले यार बोले, मेरा साथ दे। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को वसल किया, ये तबो तवा तुम्हारे लिए, न रूह जमी न अरशे बरी न लोहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रमदे खुली अजर की निहा तुम्हारे लिए, साहबे करम जमाना जिए के आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, वो अशरफिया तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा, हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।